शानों के किचन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ चिकन शवारमा और साथ थोड़ा सा सैलेड। चिकन शवारमे के लिए मुझे चाहिए भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, अदरक का पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, कसूरी मेथी, लहसुन का पाउडर, 2 चम्मच दही और 1.5 पाव तकरीबन चिकन जो छोटी छोटी बोटी करके मैंने काट ली है। आइए बना। सॉस पैन में मैं तेल डालूंगी, तकरीबन थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब तेल होगा ये। और ये चिकन जो रखा हुआ है और इसे भूनना है जब तक ये वाइट नहीं होगा, फिर इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी मैं। तरफ सॉस पैन में शवारमे का चिकन तैयार हो रहा है तो साथ ही मैं बच्चों के लिए आसान सा सैलेड बना रही हूँ। एक छोटा पत्ता गोभी मैंने काट के रखी है इसमें, 1 कटोरी मैक्रोनी एल्बो शेप की है, 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, कद्दूकस की हुई गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च और 2 चम्मच चीनी और मेयोनीज और क्रीम। चलिए बनाते हैं, सैलेड बनाते हैं। सैलेड में जो है पत्ता गोभी मैंने पहले ही काट कर बाउल में रखी हुई है, छोटा पत्ता गोभी का था और फूल था। और ये 1 कटोरी मैक्रोनी, नमक, काली मिर्च और साथ में 2 चम्मच चीनी के और ये कद्दूकस की हुई गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च कह रही हूँ। शिमला मिर्च वगैरह गाजर ये सब मिक्स कर लिया मैंने, इसमें डाल दिया। और अब तकरीबन 2 चम्मच जो है ये मैंने मिल पैक्ड क्रीम के लेने हैं, इनके 3 चम्मच और साथ ही मोइनीस ये तकरीबन 2 चम्मच से 3 चम्मच, 3 चम्मच ही मोइनीस बस। और अभी इसे मिक्स कर देंगे, ये देखें इस तरह मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को ताकि कहीं ये अच्छे से यकजान हो जाए। ये बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनता है। भाई मेहमान आ जाएं घर में, जो चीज़ें आपकी सब्ज़ियाँ वगैरह हैं आप उनसे आसानी बना सकती हैं। ये देखें ये आज मैं शवारमे बना रही हूँ तो मैंने कहा बच्चों को साथ ये भी सैलेड भी थोड़ा सा बना दूँ। इसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे तो ये जब ठंडा ठंडा सैलेड होगा तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनेगा। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका। चलिए ये तो तैयार हो गया, अब शवारमा बनाते हैं। चिकन वाइट हो गया है, इसमें मैंने सारे मसाले ऐड करने हैं, नमक और काली मिर्च, दही, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्च और इन सब को मैंने भूनने, जब ये भुन जाएगा अच्छे तरीके से तो मैं छोटे से कोयले का इसे दम लगा दूंगी कि थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाए इसका। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी बस, अब इसे भूनते फिर अगला स्टेप किस तरह बनाते हैं बताती हूँ। 2 चम्मच मेयोनीज, 2 चम्मच क्रीम, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर इसे मैंने मिक्स कर लेना है शवारमा के लिए जो हमने मेयोनीज तैयार करना है।
ये, और ये थिक काफ़ी है तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि के बड़ी यम्मी सी क्रीम तैयार हो जाए। साथ ही मैंने सैलेड भी काट के रख दिया। ये मज़ीद इसे थोड़ा सा नरम करेंगे, इसी तरह थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करती जाऊंगी मैं। ये देखिए मोइनीस और क्रीम, काली मिर्च, नमक सब यक मिक्स हो गए हैं और ये अच्छा सा हमारा क्रीमी सा बैटर तैयार हो गया है। चलिए अभी ब्रेड को सेकते हैं। पर शवरमा ब्रेड इस तरह अच्छे से सेक लेनी है। ब्रेड जो शवरमा ब्रेड है या जो इसकी रोटी है ये घर पे भी बनाई जा सकती है। इसकी तरकीब मैं आपको बताऊंगी घर में बनाने की नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें ये अच्छे से गर्म हो गई है और इसे मैं प्लेट में निकाल दूंगी। अब ये थोड़ा सा जो मैंने लाल मिर्चें पीस कर बीच में थोड़ा सा चिली सॉस डालकर पीस कर रखी हुई हैं ये लगाने हैं हल्का हल्का सारा, बिल्कुल हल्की सी मिर्च लगानी है। ये अब मैं चिकन डालूंगी इसमें, जितना चिकन हमें चाहिए ये डाल चिकन और थोड़ा सा सलाद। ये बच्चे इस तरह सलाद वगैरह खा लेते हैं और अब मैं जो मेयोनीज बनाकर रखा हुआ है ये डाल, ये थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि के टेस्ट अच्छा आए। और अब मैं इसे फोल्ड करूँगी। इसी तरह सारे शवार में फोल्ड कर देने हैं मैंने। माशाल्लाह से हमारे शवार में तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बाज़ार से अच्छे और सस्ते शवारमे, साथ ही सैलेड, केचप इसके साथ खाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह सबके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।